इंपोर्टर्स में हाहाकार, कमजोर रुपया 80 के पार, कैसे सेहतमंद होगा रुपया, कैसे लगेगी नई अपार। रुपया फिलहाल अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, मंदी की चिंता में रुपया डूबा जा रहा है, इसकी सेहत में कोई सुधार नहीं दिखता। आरबीआई और वित्त मंत्रालय की तमाम कोशिशों के बाद भी रुपया डॉलर के आगे बेबस नजर आ रहा है। आखिर क्यों रुपए की चाल को दुरुस्त करने को लेकर सेंट्रल बैंक की कोई दवाई काम नहीं आ रही है, ये समझना जरूरी है कि कमजोर रुपए से हमारी इकोनॉमी पर क्या क्या असर पड़ेगा, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो लुढ़कते रुपए का खामियाजा भुगत रहे हैं। बता दें कि बेदम होते रुपए से हमारा आयात महंगा होता जा रहा है, खासकर कच्चे तेल और गैस के आयात में हमारे पसीने छूट रहे हैं। अपनी जरूरतों का करीब 85% कच्चा तेल और 50% गैस हम इंपोर्ट करते हैं। जाहिर है पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, इससे खाने पीने की सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए हम करीब 40 से 60% आयात पर निर्भर हैं। स्मार्टफोन में लगने वाले करीब 70 से 80% कलपुर्जे आयात होते हैं। सोलर सेल सेमीकंडक्टर चिप के लिए भी हम आयात फोन में लगने वाले करीब 70 से 80% कलपुर्जे आयात होते हैं। सोलर सेल सेमीकंडक्टर चिप के लिए भी हम आयात पर निर्भर हैं। इन सबके महंगा होने से बिजली से लेकर मोबाइल, कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी महंगे हो जाएंगे। विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी, सो अलग। इसके अलावा हम अपनी जरूरतों का करीब 60% पाम ऑयल आयात करते हैं। एसएमएस पर भी इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिनके लिए गिरता रुपया फायदेमंद साबित हो रहा है, खासकर निर्यातक, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, चाय, जेम एंड ज्वेलरी, मसाले और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए रुपए की गिरावट फायदे का सौदा होता है। रुपए की कमजोरी की वजहों की बात करें तो डॉलर एक साल में 17% मजबूत हुआ है, जबकि डॉलर के मुकाबले सभी ग्लोबल करेंसीज कमजोर हुई हैं। वहीं यूएस में ब्याज दरें हाल में बढ़ी थीं और इसमें और बढ़ोतरी का अनुमान है, इससे भी डॉलर में उछाल आया है। वहीं भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआईज की जोरदार बिकवाली के अलावा जून में कच्चे तेल और कोयले के दोगुने इंपोर्ट से भी रुपया कमजोर हुआ है। फिलहाल तो डॉलर और रुपए के बीच की जंग में ठहराव आना जरूरी है ताकि रुपया फिर से ग्लोबल मार्केट में अपनी दावेदारी मजबूत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों से आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं एससी गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं राकेश मोहन जोशी सर, जो कि प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में। बहुत बहुत स्वागत है जोशी सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अदिति नायर, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इकरा में। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा, और आप तो जानती हैं कि रुपए का गिरना हमारे देश में किस तरह से लिया जाता है, उसके राजनीतिक मायनों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन रुपया 80 के पार चला गया है। सीधा सीधा प्रश्न यही है मेरा आपसे, क्या ये अप्रत्याशित है, क्या ये वित्तीय तंत्र की विफलता है जिस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन उससे इतर, या ये जो कुछ भी विश्व में हो रहा है उसका एक स्वाभाविक परिणाम आप मानते हैं? क्योंकि देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी हमारे यहाँ बहुत एफआईआई और एफडीआई ये सब आती है। सो इतना बड़ा इंटीग्रेशन जब विदेश के साथ है और इसमें जो इम्बैलेंस है हमारा, वो इम्बैलेंस बढ़ जाता है, जैसे अभी हुआ है कि ट्रेड अकाउंट जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अकाउंट हम रखते हैं, उसमें इस साल तकरीबन 250 से 275 बिलियन डॉलर की कमी है, डेफिसिट होने का अनुमान है, जो कि और दूसरे सालों के मुकाबले 60-70-80 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। तो जब इतनी मिसमैच हो जाए, और जिससे पहले
पहले तक पिछले साल तक हम लोग कैपिटल अकाउंट जिसको हम कहते हैं कि जिसमें हमारी एफडीआई आती है, एफआईआई आती है, कमर्शियल बोरोइंग्स आती है, एनआरआईज की डिपॉजिट्स वगैरह आती हैं, ये सब में हम सरप्लस रहते थे और उस सरप्लस से हमारी जो डॉलर की डिमांड ट्रेड अकाउंट पे स्पेशली कम रहती थी उसकी भरपाई हो जाती थी। अब पिछले कुछ समय से 7-8 महीने और 1 साल से ट्रेड अकाउंट तो बिगड़ ही रहा है, साथ में कैपिटल अकाउंट पे परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। एफआईआई आपने प्रेजेंटेशन में बताया पिछले 6-7 महीने में $30 बिलियन बाहर चला गया, ईसीबी में पैसा आना बंद हो गया, एनआरआई डिपॉजिट भी रुक गई है, बढ़ नहीं रही है, कुछ घटनी शुरू हो गई। तो जब करंट अकाउंट में डेफिसिट है और कैपिटल अकाउंट में कंपनसेट करने के लिए आपकी इनफ्लो नहीं है, तो ऐसी में ये तो निश्चित रूप से सामान्य बात है कि आपकी डॉलर जो आपका रुपए में इंटरनेशनल प्राइस है आपकी चीज की, तो जब डॉलर की डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो डॉलर की प्राइस रुपए के मुकाबले बढ़ेगी, तो ये अप्रत्याशित तो बिल्कुल नहीं है मेरी नजर में। जी प्रोफेसर जोशी, लेकिन जैसा सर ने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, अगर बहुत बहुत सामान्य भाषा में अगर हम समझें इस पूरे मसले को, तो क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, वो ज्यादा डिमांड में है तो उसके भाव बढ़ गए हैं, रुपए की डिमांड नहीं है। लेकिन अब इसकी वजहों पर मैं आपके पास आना चाहूंगा, डॉलर की डिमांड बढ़ना, क्या इसमें हम कुछ कर सकते थे या ये वैश्विक कारणों से ही बढ़ा है? वहां अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या, या इसके पीछे जो मैं कह रहा था कि जो कुछ विश्व में हो रहा है उसका एक स्वाभाविक परिणाम है? नहीं, इसके अंदर ये दोनों ही बातों का एक मिलाजुला परिणाम होता है, क्योंकि वैश्विक जो भी कोई गतिविधियां होती हैं, अर्थव्यवस्था होती है, उसका निश्चित रूप से जैसा कि गर्ग साहब ने बताया कि प्रभाव तो हमारी इकोनॉमी पे पड़ता ही पड़ता है। तो इसके अंदर अब आप देखिए कि 2-3 चीजें हुई हैं, एक तो सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ है, वॉर के कारण हुआ है, उसके पहले कोविड ने सप्लाई चेन का डिसरप्शन रहा, तो और दूसरा ये हुआ है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, हमारी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी हैं जिसपे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, तो पेट्रोलियम एक हो गया, फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उसके बाद में आप देखिए कि जैसे प्राइसेस गोल्ड सिल्वर एक दूसरी हमारी चीज है जिसकी प्राइसेस में इजाफा है, और 70% जो हमारा ऑयल है, एडिबल ऑयल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इन सब की कमोडिटीज में बढ़ावा हुआ है और इसका निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। अच्छा, दूसरा देखिए कि अमेरिका ने जिस तरह से किया, मतलब यू नो द टाइटनिंग किया है, कुछ उनके स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हुई है, तो उसके अंदर दो चीजें, एक तो हम ये कह रहे हैं कि भाई डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हुई है तो रुपए की गिरावट उतनी नहीं हुई है जितनी कुछ अन्य देशों में हुई है, बट उसके साथ साथ ये है कि हमको अपने प्रयास तो करने ही है। अच्छा, जैसा इन्होंने अच्छा समझा है कि ट्रेड का जो डेफिसिट है, जैसे अभी आप जून का ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखते हैं तो विच वॉज आई थिंक अमेजिंगली 125% आपका ट्रेड डेफिसिट जून जून के अंदर बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट की कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया, और इसलिए आप जो अभी ये बता रहे हैं, जो जनरल इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहती है कि भाई रुपए का अगर डेप्रिसिएशन होता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स बिकम्स मोर यू नो मोर ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर देखा गया पिछले मेरे ख्याल से 10-20 साल में आप देखिए तो रुपए के डिवेल्युएशन से एक्सपोर्ट पे ज्यादा फर्क, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा है और इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा होने के कारण हमको रुपए पे इंपोर्ट पे ज्यादा खर्च करना बिल्कुल है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो मेजर चीजें हैं पेट्रोलियम है, तो उसपे तो उससे क्या है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी एक हमारे ऊपर मतलब पड़ा है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण आपने मसला छेड़ दिया और मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमानों से आज हम जरा इस पर भी बातचीत करें, क्योंकि हमने
हमें परतें खोलनी है, बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाना है। इसलिए बार बार जो कहा जाता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी भी अगर कमजोरी आती है रुपए में तो हमारे ऊपर दबाव आ जाता है, और अब तो 80 के पार हो गया, ऑल टाइम लो पर है, तो संकट कितना बड़ा है समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ कि हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी आज तक नहीं बन पाए? बहुत कोशिशें करी हमने, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी, हर चीज को मंगाना है, हर चीज हमें बाहर से मंगाना है, वो हमारी मजबूरी है। तो ये मजबूरी क्यों है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अदिति मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दोनों हमारे जो पैनलिस्ट महानुभाव हैं, उन्होंने बहुत ही सामान्य, बहुत ही सिंपल भाषा में बताया कि भाई देश नेट इंपोर्टर है, जैसे हम बता रहे हैं, व्यापार घाटा बढ़ा है, हमारा कैड बढ़ा है। अब रुपया अगर इसी तरह से गिरता रहा मैम, तो इकोनॉमी के लिए आप कौन कौन से चैलेंजेस देखती हैं? थैंक यू। देखिए, मैं एक दो चीजें पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जून का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट था वो ऑल टाइम हाई पे था, 26 बिलियन डॉलर के आसपास। अच्छा। और हमारा ये एस्टिमेट है कि इस साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो 105 बिलियन डॉलर का होगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये भी एक ऑल टाइम हाई होगा, लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में देखें तो ये 3% ऑफ जीडीपी होगा, जो टेपर टैंट्रम वाले 2013 के करंट अकाउंट डेफिसिट से काफी छोटा होगा। उस समय 4.8% ऑफ जीडीपी तक करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पहुंच गया था, जो बहुत ही अलार्मिंग लेवल था। 3% ऑफ जीडीपी एक लेवल ऑफ कंसर्न होता है, लेकिन उस टाइप का अलार्म नहीं होता। करंट सिचुएशन में मैं बिल्कुल गर्व साहब से सहमत हूँ कि हमारे एफआई आउटफ्लोज भी हो रहे हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स में भी ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, और ईसीबी में भी ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो में हमें लगता है कि ईसीबी फ्लोज भी थोड़े कम होंगे। लेकिन एक गुड न्यूज में ये दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, सिल्वर लाइनिंग की तरह से आप ले लीजिए। एक तो जो एफआईआई आउटफ्लो हमने पहले 6 महीने में देखे हैं 2022 कैलेंडर ईयर के, वो अराउंड 28 बिलियन डॉलर्स है। उसकी तुलना में जुलाई के महीने में पहले हाफ का जो डेटा है, वहां डेफिनेटली एक स्लो डाउन हुआ है। जो पेस है एफआईआई आउटफ्लोज की वो काफी थम गई है। अच्छा। तो एटलीस्ट आगे जाके हम ये होप कर रहे हैं कि जो हॉट मनी था, जो बाहर जाना था, अब वो जा चुका है ज्यादा से ज्यादा, और अब आगे जाके एफआईआई आउटफ्लोज का पेस जो है रिलेटिवली कम होगा। दूसरी बात, अगर आप अप्रैल मई के एफडीआई फिगर्स को देखें, पिछले साल से कम है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम उनको कंपेयर करें तो बहुत हेल्दी है अभी। तो बीओपी डेफिसिट हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बिलियन डॉलर के आसपास। तो इस सिचुएशन में ग्लोबल जो ट्रेंड्स है, यूएस डॉलर की जो सेक्युलर ग्लोबल स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, रूपी का डिप्रिशिएट होना इट्स इनएविटेबल। अब आप कितना उसको फाइट करना चाहोगे, कितने फॉरेक्स रिजर्व्स खर्चना चाहोगे रूपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एट अ टाइम जहां हमारे सारे जो एक्सपोर्ट कंपेटिटर्स हैं वो हमसे ज्यादा डिप्रिसिएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक पॉलिसी डिसीशन है जो आरबीआई और गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना पड़ेगा। हमें जो लगता है शायद 80 से 81 के बीच में हमें इस क्वार्टर में और थोड़े रिकॉर्ड लोज दिखेंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन हुई है, ठीक, उससे ग्लोबली और इंडिया दोनों में इन्फ्लेशन रेट्स थोड़े रिवर्स होने चाहिए। इसलिए हमें ये लग रहा है कि मॉनेटरी टाइटनिंग फ्रंट लोडेड और अग्रेसिव होगी, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से जल्दी खत्म हो जाएगी, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शायद रूपी पे डिप्रिसिएशन प्रेशर नहीं होगा। ओके, यानी कि अगर आसान भाषा में हम समझे कि जो डॉलर बाहर जा रहा है, जो एफआईआई आउटफ्लो जिसे कहते हैं, जनवरी से हमने देखा था कि वो लगातार बाहर जा रहा था। तो अदिति मैम का ये कहना है कि अब डॉलर जितना जाना था बाहर अब चला गया, जुलाई के जो डेटा आए हैं उसमें लग रहा है कि कुछ थम गई है रफ्तार, और आगे आने वाले समय में ये रफ्तार और थमेगी, और करंट अकाउंट जो डेफिसिट है हमारा डॉलर में जिसे आका जाता है व्यापार का कुल, उसमें भी अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो उसमें उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता जताई जा रही है। तो कुल मिला के दो अच्छे साइन है जो कि अगले कुछ सालों, अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ दिनों में तो नहीं लेकिन महीनों में, अदिति मैम शायद महीनों में, 2-3 महीने, एक क्वार्टर तो लगेगा।
देखिए इस क्वार्टर में तो हम थोड़ा और डिप्रिसिएशन प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है Q3 एंड Q4 में इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में थोड़ा रिवर्सल होगा। चलिए तो ये दो हमने जो क्यूज लिए हैं ये कुछ सकारात्मक दिशा की तरफ जा रहे हैं, और जो आशंका जताई जा रही थी कि अब भैया वो साइकोलॉजिकल रेट को उसने पार कर दिया तो फ्री फॉल हो सकता है, तो वैसी कोई स्थिति फिलहाल अदिति मैम की नजर में नहीं है। एक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे अभी सवाल बाकी हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गर्ग सर, मैं आपके पास अब दो ऐसे सवालों के साथ आ रहा हूं जिन पर काफी चर्चा हो रही है। जब जब हम रुपए के गिरने की बात करते हैं तो एक थ्योरी इसमें यह भी आती है कि साहब इस आपदा में भी अवसर है, और खास तौर से जो एक्सपोर्टर्स हैं सर्विस आईटी फार्मा, इनके लिए तो बड़ी ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि ये अपने मुनाफे को बढ़ा पाए। दूसरा ये माना जाता है कि रुपए का गिरना कहीं ना कहीं इकोनॉमीज के लिए भी एक सुदृढ़ संकेत होता है, और देश दुनिया के कई देश अपने करेंसी को बहुत ज्यादा मजबूत होने भी नहीं देते हैं। तो ये क्या चक्कर है सर, क्या वाकई में रुपए का गिरना किसी न किसी रूप में इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है? सी, ये जो बात कही जाती है कि आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करिए ताकि आपके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, क्योंकि बड़ा सामान्य है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं $1 के लिए आपको 40 रुपए मिले, उसकी जगह अगर 50 रुपए मिले तो एक्सपोर्टर को इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, उनको 50 रुपए की आमदनी होती है। तो थियोरेटिकली तो ये बिल्कुल समझ में आती है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपकी करेंसी थोड़ी सी कमजोर ही रहनी चाहिए बजाय स्ट्रांग होने के। लेकिन ये थ्योरी को जब अप्लाई करना हो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो आपको उस देश के या किसी भी विशेष देश के एक्सपोर्ट के स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है कि आप क्या चीज में, बिकॉज आप डिप्रिशिएटेड करेंसी में आपका कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी बढ़ती है, लेकिन आप किसी चीज को एक्सपोर्ट उस कॉम्पिटिटिवनेस के साथ भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में ये थ्योरी काम नहीं करती, आप के चावल का, आपके वीट का, या जो भी आपके एक्सपोर्ट हैं, इसी तरह से हमारी डिपेंडेंस एडिबल ऑयल पे है, तो वो कोर स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस होने के कारण से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें थोड़े बहुत डॉलर अप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड हो जाए तो उसका खास असर नहीं पड़ता। दूसरा मेन ये थ्योरी काम में आती है जहां पे इंडस्ट्रियल गुड्स की हम बात करते हैं, मशीनरी की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इन चीजों की, जहां पे आपका कॉम्पिटिटिवनेस, अनफॉर्चुनेटली हमने अपने देश में पिछले 50-60 साल 70 साल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत हासिल नहीं की। 91 के बाद में थोड़ा बेहतर बात हुई थी, लेकिन वो भी अब चीजें खत्म हो रही है। आत्मनिर्भर भारत में हम काफी कोशिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया में कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली हमारे देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाता है। आजकल बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जैसे हमारे देश में भी हुआ है, आईटी इंडस्ट्रीज का हुआ है, उस पे आईटी सर्विसेज का, उस पे भी बहुत ज्यादा रुपए की उस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास वो एक चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, और उसमें आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इतनी बढ़िया है। लेकिन दूसरी और किसी भी सर्विसेज में, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, अकाउंटिंग, इन सर्विसेज में हम प्रेजेंट ही नहीं है, हम दुनिया के साथ ट्रेड भी नहीं करते, दुनिया के साथ व्यापार भी नहीं करते। तो इन सब चीजों को देखने के बाद आपको ऐसी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस है, एनर्जी पे है, आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। आप अगर आपका रुपया गिर भी जाए तो भी आप एक्सपोर्टर नहीं बन सकते एनर्जी में, चाहे गैस हो, चाहे ऑयल हो, चाहे कोल हो। तो ये अप्लाई करने के लिए थ्योरी में हमें प्रैक्टिकल देखना पड़ता है। अब आप हिंदुस्तान के सिचुएशन में इसको अप्लाई करें तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपोर्ट, जो राकेश भी कह रहे थे, पिछले 30-40 साल का इतिहास ये बताता है कि अगर रुपया गिरा, जब पहले बहुत ज्यादा डिप्रेस था 1991 से पहले, तो हमें वो फायदा मिला कुछ समय 90s में और 2000 में, बट जनरली ओवर ए लॉन्ग टर्म
टर्म पीरियड हमारी कॉम्पिटेटिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है कि हम डिप्रिशिएटेड रुपए का फायदा उठा सके। बिल्कुल, अगेन वही बात आ जाती है कि भाई डिप्रिशिएटेड रुपए का फायदा तो तब मिलेगा जो सर कह रहे हैं कि जब आप एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होंगे। अब आप इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है, तो फिर आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, उल्टा आपके इकॉनमी को ज्यादा नुकसान होगा। अब राकेश सर वही बात, वही सवाल कि हम आज तक इतनी कोशिशों के बावजूद एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी क्यों नहीं बन पाए। हम सर्विस सर्विस बड़ा कहते हैं और सर ने बहुत अच्छे से बताया, अभी सर्विस सेक्टर में भी आप देख लीजिए 90s में 25% के आसपास थे, आज वो कम हो गए और कम हो गए, और कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पर हम सर्विस में हैं ही नहीं। तो सारी डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पर ही है आज भी, इसके पीछे की वजहें क्या हैं सर? नहीं देखिए, ये इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से गर्ग साहब ने समझाया कि सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एयर ट्रांसपोर्ट है, शिप ट्रांसपोर्ट है, हम पूरी तरह से विदेशी डिपेंडेंट है, तो बहुत सारी चीजों पे हम डिपेंडेंट है। अच्छा, एक्सपोर्ट पे जहां जहां तक फिजिकल गुड्स का सवाल है, उसमें कुछ तो रिसोर्स बेस्ड गुड्स है, जैसे पेट्रोलियम हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो पेट्रोलियम के लिए उस पर आत्मनिर्भरता मतलब निर्भरता इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाने के लिए पेट्रोलियम के अंदर हमको अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट बहुत सारी चीजें जिसमें हम कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें मुझे लगता है हमको करने की जरूरत थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक है जिसके बारे में बात की, बट एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 55-60% ऑफ द पॉपुलेशन इस देश की जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आज हम 70% जो है वो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 1990 में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस एडिबल ऑयल पे लगभग जीरो हो गई थी, और वहां से धीरे धीरे करते करते हमारी स्थिति ये है। अब उसके लिए हमने डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने सोयाबीन पे ड्यूटी जीरो की, हमने पाम ऑयल पे ड्यूटी जीरो की। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इंपोर्टर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, हिंदुस्तान के क्लाइमेट में +48 से -48 डिग्री टेम्परेचर तक कोई दुनिया की ऐसा फल या सब्जी नहीं है जो हम ना उगा पाए, लेकिन हमारा $3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। एडिबल ऑयल में लगभग $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारा पाम ऑयल पे है, और $5 बिलियन का डेफिसिट हमारा सोयाबीन पे, हम टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम जो है अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें और फोकस्ड हमारी अप्रोच हो लॉन्ग टर्म, हम कर सकते हैं। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर काजू का है, भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर हम जो बादाम का है, काजू बादाम हम सबसे बड़े इंपोर्टर है, हम इवन जो है एप्पल भी इंपोर्ट करते हैं, और वॉशिंगटन एप्पल कमीशन अपने एप्पल का विज्ञापन दिल्ली और गुंटूर और चेन्नई के अंदर करता है, और वॉलनट का विज्ञापन ये लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये चीजें उस पर अगर सोच के फोकस्ड अटेंशन, बेम्बू इज अनदर थिंग विच वी आर इंपोर्टिंग, क्योंकि बेम्बू के अंदर हमारे देश में इतना फॉरेस्ट है, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री पे अगर हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से बेम्बू इज ए वेरी बिग नाउ इंपोर्ट आइटम। तो मुझे लगता है कि अच्छा, वैसे ही फॉरेस्ट जैसे पेपर बनता है, क्लोथ बनता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उस पे हम फोकस करके अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, और यू नो इट हैज टू बी वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी गर्ग साहब ने बिल्कुल साफ समझाया कि भाई 70 साल में हम नहीं कर पाए। अब मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा 1.4 बिलियन का देश है, बिल्कुल है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, मे बी फर्स्ट पॉपुलेटेड, लेकिन कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन, टोटली डिपेंडेंट मोबाइल फोन। और मुझे लगता है कि वो मुझे लगता है सर कि जब 60 और 70 के दशक में जब दुनिया के देश अपनी इकोनॉमी को खोल रहे थे, और खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस वक्त हम लोग थोड़ा सा वो बस हमने मिस कर दी। हमने जरूर खोला इकॉनमी को 90s 1991 के आसपास, लेकिन वो तब खोला जब गले गले आ गई हमारे, तो अब उसमें भी हम सर्विस सेक्टर ही खोल पाए क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं था, तो वो ट्रेन हमने जो है मिस कर दी है। अब उसको वापस कैसे हम पटरी पर क्या मैच कर पाएंगे, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन आपने जैसा कहा कि लॉन्ग टर्म अप्रोच हो, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन अब अदिति मैम, एक ही आप लोगों से ही एक जो बात निकल कर आई थी कि डॉलर के मुकाबले सिर्फ रुपया नहीं टूटा है, बाकी करेंसीज भी टूटी हैं, और रुपया संभावित रूप से कम टूटा है अगर कंपैरिजन करें तो इसके पीछे के वजह क्या है? क्या हम ये माने कि हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल हैं वो अभी भी मजबूत हैं, कि हमने रुपए को संभाल के रखा कहीं ना कहीं? देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 चीजें हैं। एक तो जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है इस साल, वो मुझे लगता है कि काफी
बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी हाई रहेगी। हमारा अनुमान है कि 7.3% होगी इस साल, और जो सर्विस सेक्टर है डोमेस्टिकली वो हमें अभी बहुत रोबस्ट लग रहा है। तो ये एक फैक्टर है जो हमें कीप इन माइंड रखना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन हुई है, वो भी आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए कम से कम जो मार्जिन प्रेशर है या जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको थोड़ा मॉडरेट करेगा। तो जो फियर था Q1 में कि डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, वॉल्यूम्स कम होंगे क्योंकि लोगों के वॉलेट पे इमीडिएट हिट आई है इन सब फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हायर फ्यूअल प्राइसेस, हायर एडिबल ऑयल प्राइसेस, वो वाला प्रेशर आगे जाके थोड़ा सा कम होगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो RBI ने मेजर्स लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर लिए हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है रुपी को। आज भी जैसे हमने देखा कि एक नया ऑल टाइम लो सुबह के टाइम हुआ था, उसके बाद थोड़ा पुल बैक हुआ था, तो लगता तो यही है कि कुछ RBI की तरफ से सपोर्ट आया होगा, थोड़ा शायद इंटरवेंशन हुआ होगा, तो ये भी एक फैक्टर है। देखिए, जब बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज अप्रिशिएट हो रही होती है उस फेज में हमने देखा है कि RBI जो डॉलर रिजर्व्स है उनको बिल्डअप करता है, और वही डॉलर रिजर्व्स अब यूज हो रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं करेंसी डिप्रिसिएशन को थोड़ा कंट्रोल में रखने की। तो आई थिंक ये एक स्ट्रेटेजी जो है वॉलिटिलिटी को कर्व करने के लिए, RBI ने यूजली यही बोला है कि वो कोई लेवल को टारगेट नहीं करते, लेकिन वो वॉलिटिलिटी वो डिसऑर्डरली एक सिचुएशन नहीं देखना चाहते। तो ये भी एक रीजन है कि अभी वाले पीरियड में हमने और इमर्जिंग मार्केट करेंसी से कम डिप्रिसिएशन प्रेशर देखा है। तो जो मैं कह रही थी पहले कि जब टाइड शिफ्ट होगी, जब सेंटिमेंट शिफ्ट होगा, उस समय भी शायद और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में ज्यादा अप्रिसिएशन हो, और शायद INR में उस समय कम अप्रिसिएशन। हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम। चलिए, तो इसी के साथ इस चर्चा को अब यही खत्म करते हैं। संकट बड़ा है, जैसा कि हम कह भी रहे थे कि क्रूड भी बढ़ रहा है एक तरफ और डॉलर भी मजबूत हो रहा है, तो संकट दोहरा है। अब इससे पार जल्दी पाएं, और जो दो बड़े संकेत मैम ने दिए हैं, बहुत जल्दी रुपए में सुधार हो इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं। बहरहाल, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर। जोशी सर, थैंक यू सर। नायर मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।